पिक्चर्स कैसे कट कर सकते हैं और बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले आपने पिकआउट ऐप ओपन करनी है। उसके बाद आपने एक पिक्चर सेलेक्ट करनी है। जैसे कि ये पिक्चर मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कटआउट की ऑप्शन होगी, कटआउट पर जाके आपने यहाँ आउटलाइन पर हो क्लिक करना। आउटलाइन पर क्लिक करने के बाद आउटलाइन से आप नेक्स्ट कर देना। इस तरह आप देखेंगे किसी किसी जगह से वो जो है कि वो कट नहीं कर रहा, उसके लिए यहाँ नीचे रीस्टोर की ऑप्शन होगी। रीस्टोर पर क्लिक करना है आपने, बड़ा थोड़ा बड़ा करना, जिधर जिधर से सिलेक्ट नहीं उधर उधर से आपने सेलेक्ट करने है। इसमें ये है कि आप कुछ कुछ चीज़ें जो है रह जाती हैं। ये सिंपली आप देखें तो ये आउट करेंगे तो आपकी ये पिक्चर कट हो जाएगी। रेजर की ऑप्शन है, जहाँ से ज़्यादा ज़्यादा होगा आप कर सकते हैं। अब ये देखें कट हो गया। इसके अलावा एक तरीका है डिस्चार्ज करके, उसके अलावा एक तरीका है ये आप साड़ी सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले ये साड़ी आप पीछे सेलेक्ट कर सकते हैं, इधर रिस्टोर पे जाके आप जहाँ जहाँ से पीछे सेलेक्ट नहीं हुई वहाँ से कर सकते हैं और ये ऐसे कर लें तो कट हो जाएगी आपकी पिक्चर। इसके अलावा फिर हम डिस्चार्ज करेंगे। इसके अलावा पहले आप फेस सेलेक्ट कर लें, जो मुझे क्या इजी लगता है तरीका जो है ना, इसको रेज कर देंगे। उसके बाद फिर रिस्टोर पर जाएंगे, अब आप रिस्टोर पर जाके ये साड़ी सबसे पहले एंड नुकरें जो है ना ये आप देख रहे हैं इधर से इजीली हम जो है ना सेलेक्ट कर रहे हैं। इधर से आप जूम करके कर लें,
एंड पे जो है हम जूम कर लेंगे। देख रहे हैं आप, इधर से इजीली हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह हम सारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और इजीली जो भी है हम बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप ब्रश बड़ा कर लो, ये सारी क्लियरली हम इसको इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तरीका तो लंबा है पर इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये है कि सारी पिक्चर सेलेक्ट हो जाती है।
ये देख सकते हैं ये पिक्चर उन सब तरीकों से ये वाली पिक्चर से सिलेक्ट हुई। इसको आप सेव कर दें, ऐसे आप कट कर सकते हैं। नेक्स्ट करके सेव कर दें, डाउनलोड कर दें, या ऐसे आप पिक्चर अपनी सेव कर सकते हैं, कट आउट कर सकते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करें, ऐड फोटो करें, कोई भी बैकग्राउंड, इधर मेरे पास जैसे कि ये बैकग्राउंड है, ऐड फोटो पे जाएं, ये पिक्चर को आप कट करके इधर इजीली लगा सकते हैं। जैसे कि ये पिक्चर यहाँ ऐड होगी, सिंपली आप इस तरह कट भी कर सकते हैं और इस तरह कोई भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।